हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राहुल गांधी का नाम लेते ही गाली गलौज पर आई सुप्रिया। हाय राम जी, ये जो गाली वाली मैडम है, लगता है इस बारी तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर देंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर, जिस दिन अब औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात कर। राहुल गांधी पे सवाल करते हैं, इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी, माफ करो, क्यों औकात है आपकी देश में? राहुल आओगे भाई, तुम्हारी बकिया उधर। रूबिका जी, हाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के दृश्य याद आता। तो तुम्हारा लीडर बुद्ध, अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। ये अहंकारी महिला को कहाँ से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसको दुनिया में पता नहीं है? आप तो सालों से यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई टेल यू, शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी की कुबत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। आप मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला रही है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ, ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। आई डोंट थिंक यू हर्ड हिम। नो, ऑफ कोर्स आई हर्ड हिम। मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे हैं? बात तो सही है। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल, केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहाँ रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया सुनिए, ये तो कंपैरिजन हो गया। बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही है। नहीं नहीं, आप भी समझ रही है समय, आप ये क्या कर रही है, ये आप भी समझ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ राहुल गांधी की तीन लाइनों के माने क्या है? तो मैंने ये सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर, मैं सवाल ही तो कर रही हूँ। जवाब दीजिए। दोनों मिलके दोनों हैं। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है, ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता? ये राहुल पास्ता है ना, राहुल पास्ता से कोई संबंध है ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे तो समय पर इटली, इटली में होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो प्रश्न है, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर पिज्जा खा रहा होता है सिंघू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। अच्छा, आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं ये बात कहती हूँ। इमोशनल लग रही है। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था, वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी, उसकी दादी ने दम उसकी माँ की गोद में तोड़ा। कहां से कहां पहुंच गई? वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने वाला। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर, जिस दिन अब औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैंड सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है, उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था, उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सरदार पटेल का सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टैचू हम बीजेपी नहीं बनाया, क्या बोल रही है? देश में चुने हुए सांसदों को
चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुनी मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की, हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए शहादत, आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। आप बात करते हैं, पागल है क्या? आप सवाल करते हैं, इन लोगों की औकात है सवाल करने की? देश को माफी मांगनी चाहिए। माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की लड़की को भगवान, भगवान राहुल गांधी माफ कर दो, माफ कर दो भगवान। चुप रहिए, अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो का जी, भगवान का नाम ले लिया। अरे बैठो शांति शांति से बैठो। अरे ये रूपिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस कहाँ से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ जाओ, आप पागल खाने जाओ। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहाँ जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को, संबत पात्रा सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूँ। रूबिका जी, हाँ हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। सुप्रिया शिंदे, प्लीज अब आप कुछ रिस्पांस मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं समझ रहा हूँ, समय पात्रा। रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए, यहाँ हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बखिया तुम्हारी उदेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूँ राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के सब पागल हो जाए, तुम पे ईश्वर रहम करे, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर तो तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर, बुद्ध, अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। जी मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके पास नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, ले ले भाई, इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी, वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। सीट रह गए हैं, यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया, हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोल रहे थे, राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है, अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटलियन में भी ट्वीट, इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है, आज फिर बोल रहे हैं आपको नहीं पता है, ना आपके मंत्री को पता, मिनिस्ट्री नहीं देना चाहिए, मंत्री बनने लायक नहीं, मिनिस्ट्री ने, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाके होता है, किसी महिला को पता है, बाकी बड़ा दुनिया को पता नहीं है? आप तो सालों ये, यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमन ऑफ दिस होल प्लैनेट। आई थिंक भाई मजा आया, कुछ कुछ हमने देखा हुआ है, मुझे फील आ रहा था, पर माय गॉड लेडी कमाल की है, कमाल की लेडी, पता नहीं कैसा कैसा मॉडल बनाया भगवान जी ने, जिस तरह से बोलते चुप्पी नहीं होती यार, चुप्पी नहीं होती, मैनर्स का एम तक नहीं है उसके पास। जब वो बोल रही थी ये चुपचाप सुन रहे थे, और उनको कुछ बोलना भी था तो बस ऐसे उंगली करके वो तब से वेट कर रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, वो बीच में बिल्कुल नहीं बोले। और जब इनकी टर्न आई वो तो बोलना ही नहीं बंद कर रही, वो तो मतलब वो बिल्कुल मतलब कोई एटिकेट्स वाली लेडी है ही नहीं। और मुझे इतनी हंसी आती है उसके बाद जब ये बोलते हैं ना कि पात्रा जी, वो फिर जिस तरह से इनको बोलते हैं वो बड़ी शांति से बोलते हैं, मैं हूं ना तो मैं मेरे को भी गुस्सा आ जाए, पर ये बड़े शांत स्वभाव से ना फिर भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। वो पापा 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 पा कर रही है और वो शांति से बोल रहे हैं, वो कहते हैं ये तो मुझे खा भी जाएगी, कच्चा दबा मैं तो कह रही थी निकल भी जाएगी, डगर भी नहीं मारेगी। ये थोड़ा पुराना है पर कमाल है, और उस समय ऐसी बहस होती थी तो हम कहते थे लेडी को कि लेडी बहुत नहीं, अभी भी करती होगी, यही कंट्रोल जा रही है, ये हमेशा जाती है, उनकी भाषा खराब हो जाती है, और वो ये मानने को रेडी नहीं है कि उनके लीडर की कैपेबिलिटी क्या है। हाँ, exactly. प्रॉब्लम ये है, खुद अगर कोई इतना लड़ रहा है तो लड़ने का ठीक है, मगर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि तुम अपने लीडर की कैपेबिलिटी देख लो पहले। नहीं, और लीडर में कैपेबिलिटी नहीं है तो पीछे का इंदिरा गांधी के टाइम पे पहुंच गए, कहते देश को माफी मांगनी चाहिए इनके परिवार से, मतलब अरे इनके परिवार को माफी मांगनी चाहिए देश से कि इतने साल तुमने गवर्नमेंट बनाई हुई थी, हमारा देश चाइना के मुकाबले सेम लेवल पे क्यों नहीं था, ऊपर नहीं जा सके चाइना से, एटलीस्ट इक्वल तो रख लेते चाइना और इंडिया को, तुमने तो ऐसा काम किया कि हम
कितनी भी स्पीड कर ले, अब उनके इक्वल होने में हमें पता नहीं कितने सालों साल लग जाएंगे। देखिए अगर ये जो मैडम है अगर ये ध्यान से देखें तो उनको अभी तक पता नहीं चला कि उनके लीडर सब पता है, सब पता है जो कही होता है। तुम्हारे लीडर में दम नहीं है तो क्यों उसकी इतनी तभी तो उसका मजाक उड़ रहा है, क्यों मत इतने करते हो कि ग्रेट है। वही तो वो कह रही थी, वो जो बैठी हर इंसान को नजर आ रहा है कि कितनी कैपेबिलिटी है उस लीडर की, तो उसके हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए। रूबिका बोल तो रही थी भैया तुम्हारे राहुल का भाषण जो है तुम्ही को समझ में आता है तो तुम्ही को देना, दूसरे हमारे लोगों देश को क्या भाषण देते हैं, तो तुम भाषण हमें समझ ही नहीं आता। तो लेडी है उनको समझना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके लीडर में दम नहीं है तो इट इज नॉट हर प्रॉब्लम। नहीं है, नहीं even, है, क्या करें। इवन जो पात्रा जी थे वो भी तो यही बोल रहे थे कि तुम्हारा राहुल जो है वही बोलेंगे ना हम, जो है जिस तरह से वो बात करता है काम करता है वो वही है ही। वो तो पता नहीं क्या बुद्धू बोला था, क्या वर्ड यूज किया था। तो भैया मजाक तो यही उड़ाते हैं जिस तरह से बात करते हैं, इनके पास कोई फैक्ट्स होते नहीं है, बस बोलते जाना। अब बल्कि और मतलब अपने पार्टी को जो है लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि हमारी पार्टी है कैसी, जिस तरह से लेडी बोलती है एक उसका बोलने का तरीका है, एक वो जो बैठे हुए हैं पात्र आज वो उनका बोलने का तरीका है, वो शांत रहते हैं, ये तो बोलने ही नहीं देगी, ये तो अपना भी बोल लेगी, जब दूसरा बोलेगा तो सुनने की उसकी हिम्मत नहीं होती। दूसरा सुन रहा है तुमको जब तुम इतना कुछ बोलियो, पर जब दूसरा बोलता है तो तुम तो हर बारी ये बोलती जाती है। और इस बारी तो रूबिका ने भी अच्छा उसको रोस्ट किया है, एक एक पॉइंट दे रही है, तो वो कह रही है मैं उसको भी तो दो, कह मैं दे तो दिया। पात्रा बोलते हैं कि भैया तुझे नहीं चाहिए, मैंने अपना रख लिया पॉइंट, मुझे ठीक है, मेरे को दे दिया पॉइंट, ठीक है। कमाल की है वैसे, कमाल की ये कांग्रेस का, और बल्कि मजाक उड़वाती हैं इनको देख के ना, इतनी हंसी आती है क्या बताऊं। तो चलो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा, मैं तो ये वीडियो ना 100 बारी देख सकती हूँ, 100 बारी देख के हंस भी सकती हूँ। जैसे राहुल गांधी की कई कई ऐसी कॉमेडीज है ना जो भाषण में दिए, वो मैं 100 बारी देखूंगी, मुझे हर बारी ऐसे लगता है जैसे मैं नया देख रही हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।